हेलो एवरीवन, आज मैं थ्री टाइप की मैगी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए बनाते हैं। मैंने एक कढ़ाई लिया है, गैस पे गर्म होने के लिए चलाया था, और ये मैं एक चम्मच लगभग बटर यूज़ कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, और मैं एक लहसुन और एक हरी मिर्च डाला है मैंने बटर में, इसको मिला लेते हैं। अब मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे मैं मिक्स कर रही हूँ, और एक आधा मैंने गाजर लिया है इसको मिला लो, और आधा मैंने टमाटर लिया है। ये थोड़ा सा बीन्स लिया है मैंने। अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड कर सकते हो। और मैं इसमें मैं आधा शिमला मिर्च मिलाई हूँ, और सबको अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच कम लाल मिर्च पाउडर लिया है, मैगी मसाला डाली हूँ मैं, धनिया पाउडर डाला है मैंने, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और डेढ़ चम्मच लगभग मैंने नमक यूज़ किया है। अब सबको अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैं एक चम्मच से जवान चटनी, अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो अवॉइड करना। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा फ्लेम को धीमा कर दी। एक चम्मच मैं टमाटो सॉस यूज कर रही हूँ, नहीं पसंद स्किप कर देना। एक चम्मच मैं चिली सॉस यूज कर रही हूँ। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यूज कर रही हूँ। इसमें मैं रेड चिली सॉस थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, हाफ स्पून से भी कम है। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करना जरूरी है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे सारे। अब मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक यूज कर रही हूँ, मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा तेज कर दी हूँ मैं आज को, इसको मिला लेते हैं। मैंने एक पैकेट मैगी लिया है, उसे मैंने उबाल लिया था, उसको मैं थोड़ा सा हल्का तोड़ के डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और ये मेरी मैगी रेडी, मेरा पहला मैगी रेडी, बिल्कुल ड्राई, आप खा सकते हो इस तरह। अब मैं दूसरी मैगी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने फ्लेम को ऑन किया है, गैस को ऑन कर लिया है, और इसमें मैं सरसों तेल यूज कर रही हूँ लगभग एक चम्मच, और एक मैंने हरी मिर्च लिया है, और ये आधा शिमला मिर्च लिया मैंने, एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, इसे मैंने रफली कट किया है। अब अच्छे से मिला लेते हैं। मैंने आधा से भी कम थोड़ा सा गाजर लिया, थोड़ा सा मैंने बीन्स लिया है, मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने आधा टमाटर लिया, इसे भी मैं डाल देती हूँ, और सबको अच्छे से मिला लेते हैं। Thank you.
से कुक करेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ। इसको मिला लेते हैं। सॉस डालूंगी एक चम्मच। मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैं एक चम्मच टमाटो सॉस यूज कर रही हूँ। मैं रेड चिली सॉस यूज कर रही हूँ, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता देखने में लगता है, तो मैं एक ही चम्मच यूज कर रही हूँ। मिक्स कर लेती हूँ मैं। अब इसमें थोड़ा सा और टेस्ट लाने के लिए मैं थोड़ा सा बटर यूज कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं। सबको मिक्स करते रहेंगे नहीं तो बीच में छोड़ने पर जल जाता है। आप देख ही रहे हो कितना हीट पे है। अब इसमें मैं एक पैकेट मैगी मसाला यूज कर रही हूँ। मिला लेती हूँ। एक चम्मच लगभग मैं नमक और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच से भी बहुत कम। और मैं एक ग्लास पानी ये डाल रही हूँ। अब इसमें मैं एक पैकेट मैगी डालूंगी। इसको तोड़ेंगे नहीं, इसे गलने देंगे मैगी को ना, खुद ही गल जाएगा वो, हो जाएगा। तो भाई लगभग रेडी हो गए हैं। ग्रेवी वाली मैगी रेडी। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये मेरी दूसरी भी मैगी रेडी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर लो। मैं ये थोड़ा बिल्कुल ड्राई मैगी बना रही हूँ। तो मैंने बटर लिया है और उसमें एक लहसुन और एक हरी मिर्च डाला है। ये थोड़ा फास्ट बनाएंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स यूज कर रही हूँ और थोड़ा सा ऑर्गेनिक डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं बिल्कुल लेस अमाउंट में डाल रही हूँ मैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाला और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। ये मैंने मैगी पहले से उबाला था तो वही मैंने मैगी डाला है। इसको थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं हल्का सा हल्दी डालूंगी, मतलब आधा चम्मच से भी बहुत कम हल्दी डाल रही हूँ कि वो थोड़ा कलर आ जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। ये मेरी तीसरी मैगी भी रेडी। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये मेरी तीनों मैगी, कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।